केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी वे रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के लोहिया नगर में बच्चे से सामूहिक दुष्कर्म होने व पुलिस द्वारा उसे प्रेम प्रसंग दर्शाने का आरोप लगाते हुए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला SSP ऑफिस पर प्रदर्शन किया। सपा के जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी ने आरोप लगाया कि बच्ची के संग सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, लेकिन पुलिस ने सारे मामले को हल्की धारों में तब्दील कर एक युवक को गिरफ्तार कर दुष्कर्म की इस घटना का पटाक्षेप करने का दावा किया है। ऐसा पुलिस ने शासन के दबाव में किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस तरह पैरों में गोली मारी जा रही है, उसे देखते हुए यूपी पुलिस को ओलंपिक में भेज देना चाहिए। इस प्रकरण का एक पहलू यह भी है कि घटना के वक्त बच्ची के भाई ने खुद मीडिया के समक्ष गैंगरेप होने की जानकारी दी थी। आज सपा कार्यकर्ताओं संग SSP ऑफिस पहुंचे भाई ने फिर अपना आरोप दोहराया है। उधर पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताते हुए तालिब नामक युवक को गिरफ्तार कर चुकी है मुठभेड़ के बाद। पुलिस का कहना है, पकड़ने के दौरान तालिब ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में चलाई गई गोली उसके पैर में जा लगी। दरअसल मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जमुना नगर में 7 सितंबर को परिजनों को एक सुनसान जगह में लहूलुहान हालत में अपनी बच्ची बरामद हुई थी। बच्ची के भाई ने उस वक्त क्या कहा था, पहले वह सुनिए। ईशाक, आज क्या मामला हुआ, घटना क्रम क्या हुआ बच्ची के साथ? आज दोपहर से गायब थी, जब ढूंढने निकले तो बंद कमरे में बेहोश थी। बच्ची क्या करने के लिए गई हुई थी? सिलाई करने गई थी, सिलाई पे पहुंची नहीं। अच्छा, फिर हम ढूंढे तो वहाँ बेहोश में। तो आपको कैसे पता चला कि बच्ची के साथ में घटनाक्रम हो गई है? मेरी खाला ने बताया। किसका मकान था ये? नाम तालीवर का था। अच्छा, क्या जाना था? कुछ 4-5 जाने थे। अच्छा, पुलिस ने सूचना दिया आपने? सूचना दी। आज सपा पदाधिकारियों संग SSP ऑफिस पहुंचे पीड़ित बच्ची के भाई ने यह कहा। ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से। क्या हुआ बहन के साथ? बता दिए लड़की को वहाँ लेके गए, तालिब नाम था उसको, 5-6 जने बैग करके भाग गए। लड़के कपड़े बदल के सबूत मिटाने की कोशिश की। कितनी बड़ी बच्ची है? 15 साल। कितने जने ले गए थे? लेके तालिब गया था और बाकी वही थे सब। समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष ने इस घटना पर मीडिया से यह कहा। क्या पूरा मामला हुआ? पूरा मामला ये था कि जो 2 दिन पहले गैंगरेप हुआ है लोहिया नगर थाना क्षेत्र में, जामनगर में, उसमें पीड़ित परिवार हमारे साथ आया है, जबकि लड़की के बाप भी नहीं है और बहुत ही दरिद्रमय परिवार अपना गुजारा कर रहा है। उनकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है और पूरी प्रशासन उसे एक आदमी के द्वारा किया गया दुष्कर्म बता के गिरफ्तारी करके उस पर लेपापोती कर रहे हैं। हमारी सभी समाजवादी परिवार की पीड़ित पक्ष के लिए वो है और मांग है कि सभी 7-8 आरोपियों को गिरफ्तार कराया जाए, फांसी की सजा दी जाए, जो एक इंसाफ की मिसाल बने और आगे कोई ऐसा कृत्य ना कर पाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया मिले? देखिए, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी आपने नाम दिए और जो भी आगे नाम आएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद कम है, जैसे सत्ताओं के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है कि प्रशासन इस पर लीपापोती जरूर करेगा, लेकिन समाजवादी परिवार इस चीज़ को दबने नहीं देगा, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएगा। अगर आपकी मांग पूरी के मांग तो सड़क पर रहते हैं, हम SSP दफ्तर पर बैठ जाएंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मौके पर मौजूद सपा नेत्री नेहा गौड़ ने यह जानकारी दी। किसलिए आए SSP ऑफिस? आज सारी महिला और पूरी समाजवादी पार्टी आई हुई है। ये महिला है लोहिया नगर की, इनकी बेटी को नशा देकर, नशे के तो इंजेक्शन लगाकर कुछ लोगों ने इनकी बेटी के साथ बलात्कार किया, जिसके की कपड़े चेंज किए और जो मुकदमा दायर हुआ वो सिर्फ एक बंदे के नाम पर हुआ, एक मुजरिम के नाम पर, बाकी 6 लोगों को छोड़ दिया गया। तो उसी के लिए आज उसी के विरोध में और जो लगातार बढ़ते अपराध हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, बलात्कार, लूट, जितने भी चीजें हैं, आज उसी चीजों को लेकर सारी महिला यहाँ पर इसी विरोध में आई, क्योंकि आज से 80 साल तक की महिला आज यहाँ सुरक्षित नहीं है। बच्ची की क्या उम्र थी? बच्ची की 14 साल की उम्र है।
और इसी उम्र में ये जो है ये बहुत अपने आप को अनसेफ समझ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इनका कहना है कि पुलिस जो है प्रशासन के जो लोग जाते हैं वहाँ उनकी बेटी से नहीं मिलने दिया जाता है, ना इनकी बात हो पाई ना ही किसी पार्टी के भी उस बच्ची से बात हो पाई है। तो जो बयान है वो जब ही पता चलेंगे, इसलिए बयान के ऊपर हम लोग नहीं जाते, ये इनका ही कहने पे जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। आज कप्तान से मिले, कप्तान साहब ने कहा मैं पूरी तरह से पूरी कोशिश करूंगा, पूरी हर जिनके नाम है उनके नाम जोड़ने की कोशिश करूंगा। आश्वासन पूरा दिया गया, लेकिन अगर आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो मजबूत और ये सड़कों पर उतर जाएंगी इस टाइम पर समाजवादी पार्टी। जिंदाबाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।